सेकंड ऑप्शन जो आपके राइट साइड पे दिया गया है, ये हमारा पैरामीटर सेटिंग्स है। इसमें आप जो भी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रिंट अगर आपको चाहिए ऑन ऑफ का है, इसमें बीप है, सेविंग मिनट्स होते हैं, ये आपके सारी चेंजेस हो जाएंगे टच पैनल से ही। यहाँ आप अपनी शॉप्स का नाम एंड नंबर ऐड कर सकते हैं सर। ये आपका पीपल डायमीटर्स हैं, इसमें पीपल का आप साइजेस ले सकते हैं एंड पीडी मेजरमेंट हो जाएगा कि कितना आपका पीडी है। देन ये जो है आपके आईयूएल मोड के लिए, जो लेसिक पेशेंट्स होते हैं उसके लिए काफ़ी वर्कफुल है। ये आपका जो एरो दे रहे हैं सर, इससे हम एग्जिट हो जाएंगे स्क्रीन से। तीसरा ऑप्शन जो है सर, जो ये आप अपना प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये डाटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंटिन्यूसली आप 10 रीडिंग्स ले सकते हैं। देन इसकी ऑप्शनली जो लास्ट में ऑप्शंस हैं वो आपका एवरेज दिखा देगा 10 रीडिंग्स का। राइट टाइप दोनों उसमें दिखाएगा, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। ये आपका लास्ट जो बटन्स है, ये आपका प्रिंटर का है। जैसे आप इसको करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट आपका बिल्कुल स्क्रीन के नीचे दिया गया है। ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपका प्रिंट कट हो जाएगा। ये जो एरोज हैं ये आपके चिन रेस्ट के लिए हैं। अगर आप नीचे अप डाउन कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे अप डाउन होगा चिन रेस्ट। ये आपका मोटराइज है, आपको बार बार मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका ऑटो सेंसर्स हैं, इसमें जो लेटेस्ट फीचर है ये ऑटो सेंस है। अगर आपकी आईज जैसी थोड़ा सा मूवमेंट आउट होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा और इसको सेंटिंग कर देगा। ये सर ऑटो मोड है इसमें, ये अगर आपको मेंशन हो रहा है स्क्रीन पे, तो दिस इज़ द ऑटो मोड। अगर आप इसी को प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल मोड में चला जाएगा, जो आपको जॉयस्टिक से प्रेस करने पर रीडिंग ले सकते हैं। यानी आपको फोकस करेंगे तो इसके जो आईलिड्स बनेंगे बिल्कुल सर्कल शार्प होना चाहिए, जैसे येलो आएगा ये ऑटोमेटिक रीडिंग ले लेगा। ये हमारा न्यू अपग्रेडेबल मॉडल है। थैंक यू सो मच।